चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ के बेस के अपडेट लेके आता हूँ। तो ये सेशन है जनरल साइंस, तो सेशन है जनरल साइंस डे थ्री। जनरल साइंस डे थ्री, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही अच्छा अच्छा काम आप लोगों के लिए करता रहूं तो चैनल को प्लीज शेयर करें, क्योंकि मेरा एक ही मतलब है, मुझे चैनल की रीच बढ़ानी है। आप इसे किसी भी तरीके से देख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। चलो, तो जनरल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बता रखा है मैंने पहले। केवीएस हो, चाहे DSSSB हो, चाहे SSC हो, और चाहे UPSC हो, चाहे कोई State PCS हो, State PCS, सब में जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन होते तो बहुत आसान है, लेकिन साइंस पूरी साइंस में से आते हैं ओवरऑल, और पूरी ओवरऑल साइंस को पढ़ना या कर पाना हर किसी के लिए उतना आसान नहीं होता। इसीलिए आपको ये वाली सीरीज बहुत हेल्प करेगी अगर आप इसे समझ पाते हो तो। चलो, ये सारे क्वेश्चन कहां से उठा रहा हूं मैं? SSC CGL से उठा रहा हूं, UPSC में जनरल साइंस वाले सेक्शन से उठा रहा हूं, State PCS से उठा रहा हूं, इन सभी एग्जाम से उठा रहा हूं, समझे? तो ये जरूर काम आएगा। कह रहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट किसकी है? वैसे जो साइंस स्ट्रीम का बच्चा उसे तो पता होगा, ये एक ईवी में 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होता है, यानी कि ईवी का रिलेशन किससे? जूल से। और जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। तो ईवी भी किसकी एनर्जी यूनिट है? एनर्जी की। समझ आया? ये साइंस वाले बच्चे को ऐसे समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो आप कैसे करोगे? पावर की यूनिट आपको पता है वॉट होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है। ये तो सब बहुत कॉमन यूनिट्स है, ये बहुत कॉमन यूनिट्स है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल पावर की होती है, और वैसे वाले पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क का जूल, टाइम का सेकेंड, तो जूल सेकेंड इनवर्स। तो ये तीनों, एक दो तीन, तीनों की तीनों इतनी कॉमन है ना कि हर किसी को पता होती है। और जिसको नहीं पता है भाई, वो पता कर ले, इतना आसान तो पेपर आएगा नहीं, ठीक है ना? जब ये तीनों की आपको पता है तो जो बची है वही किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ऐसे भी करा जा सकता है। चलो, अब बात आती है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। देखो, मैंने कहा ना इस सीरीज से बहुत हेल्प मिलेगा आपको, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हो। डेथ इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि किडनी क्या काम करती है। किडनी क्या काम करती है? क्या करती है? ब्लड को प्योरीफाई करती है। और जिसकी किडनी डैमेज हो जाती है वो क्या कराता है आपको पता है ना? डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। सोचो, हम सबके शरीर में इतनी सारी चीजें हैं और बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही हैं। आपको मानो, मुझे ही सपोज किडनी की कोई प्रॉब्लम होती, मुझे हर 15, 20, 25, 30 एक जितने टाइम बाद होता डायलिसिस करवाना पड़ता। समझ आ रहा है? जिंदगी कितनी चैलेंजिंग हो जाती, सोचा कभी? आपको सब कुछ सही दिया भगवान ने, फिर भी आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं। याद रखना, हर किसी की लाइफ में टफ फेज आएगा, आज नहीं कल आएगा, लेकिन अगर आप उस टफ फेज आने से पहले कामयाब हो जाते हो, कामयाब का मतलब है जॉब लेना, तो आपका वो टफ फेज आप सह लोगे और आप झेल लोगे, क्योंकि उसको झेलने के लिए पैसा चाहिए। और अगर अमीर हो तो खामा का तैयारी क्यों कर रहे हो भाई, ठीक है ना? ईंटों का भट्टा खोलो, सबसे अच्छी कीमत है। ठीक हो, किडनी क्या काम करती बता दिया। और आपको पता है कि हमारा पूरा बॉडी सेल से मिलकर बना होता है। सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू। सेल को कहते हैं कोशिका, टिश्यू को कहते हैं उत्तक, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, अंग कह लो, और फिर बनता है बॉडी। तो जो किडनी है वो भी तो किसी से मिलकर बना होगा। तो किडनी का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन।
किडनी क्या काम करता है? ब्लड को प्योरीफाई, इट इज लाइक आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, सॉरी नॉट रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्योरीफाई करता है लाइक ऑस्मोसिस, और उसका प्योरिफिकेशन कौन करता है? नेफ्रॉन। इसी तरीके से ब्रेन का जो छोटा सेल होता है, जो ब्रेन जिस ब्रेन के अंदर जो छोटी सेल होती है, मतलब सेल जो होती है, उसे कहते हैं न्यूरॉन। ये दो बहुत पूछे जाते हैं, तो आंसर तो पता चल गया नेफ्रॉन, लेकिन इस सीरीज को बनाने का क्या मतलब है कि हम ओवरऑल सीखे। अब मेडुला, मेडुला किसमें होता है? ब्रेन में। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, अब एक बच्चे ने नेफ्रॉन तो याद कर लिया किडनी का, लेकिन इन तीन एग्जाम्पल को देखा ही नहीं, इन तीन ऑप्शन को देखा ही नहीं, तो वो भी उसके लिए खतरनाक है। अब बारी आती है यूरेटर। बायोलॉजी तो मेरी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मानो ये दो किडनी है, किडनी से पाइप के थ्रू यहां जाता है, इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लेडर, जहां पे यूरिन इकट्ठा होता है, ठीक है ना, और ये हमारी किडनी है, ठीक। किडनी से यूरिन, ब्लड प्योरिफाई होके जो बेकार पानी बना यूरिन, वो कहां पहुंचेगा? यूरिनरी ब्लेडर। और ये जो पाइप होते हैं, ये यूरेटर होते हैं, इन पाइप को ही क्या कहते हैं? यूरेटर। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इन पाइप, इन रास्ते को, इन नसों को ही क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। आसान था ना? चलो अब बात आती है कॉर्टेक्स किसे कहते हैं। मैंने कहा टिश्यूज, सेल से टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज से ऑर्गन, हर ऑर्गन के ऊपर, चाहे कोई भी ऑर्गन हो, हर ऑर्गन के ऊपर एक लेयर होती है, कवरिंग लेयर, उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। एक मिनट, अगला हमारे पास आता है बच्चों कि लीनियर मोमेंटम के बराबर डायमेंशन किसकी है। सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम पता होना चाहिए क्या होता है। देखो ये तो इसकी फॉर्मूला है, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन समझना आपने इतना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है स्पीड से, उसका कुछ मास होगा और कुछ स्पीड होगी। अब अगर वो आपसे टकराएगा तो आपको चोट देगा ना, चोट मतलब इंपैक्ट देगा, एंड दैट इंपैक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। और इसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी अगर इस ऑब्जेक्ट को रोकने में जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा? मोमेंटम होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर सेकेंड, -1। अगर आप डायमेंशन के हिसाब से चले तो मोमेंटम की डायमेंशन होती है MLT -1। चलो वर्क की यूनिट होती है जूल, और इसकी डायमेंशन होती है ML2T-2। एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन होती है जूल, और इसका डायमेंशन भी क्या होता है? ML2T-2। स्ट्रेस, स्ट्रेस को कहते हैं फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है ML T-2, एरिया का L का 2, तो ML-1 T-2। तो बचा क्या? इंपल्स। आपको हैरानी होगी ये क्वेश्चन SSC CGL 2021 में आया हुआ है। अब आप में से कई लोग सोचोगे कि यार इस लेवल की साइंस हमारे पास तो आएगी नहीं, एक्चुअल में ये टॉपिक क्लास 11th साइंस का है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो अगर आप लोगों को लगता है, इफ यू वांट, कि आपको ये सीखना है कि डायमेंशन कैसे निकाली जा रही है सर, तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें डायमेंशन निकालना सिखाऊंगा कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। मतलब 11th में तो बहुत डिटेल में है, लेकिन आपके जितना काम का है उतना बता दूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो। चलो इसको समझते हैं, इसके लिए मैं एक डायग्राम सा बनाता हूं। वैसे मेरी ड्राइंग तो बहुत बेकार है, लेकिन फिर भी जो समझेगा, फीलिंग जिसके अंदर होगी समझने की। एक बर्तन है, इसमें आप क्या कर रहे हो? इसे यहां से हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो,
मतलब आग के ऊपर रखा हुआ है। अब देखते रहना। अब होगा क्या, इस बर्तन में सबसे पहले नीचे वाला पानी गर्म होगा, पानी के जो मॉलिक्यूल होंगे वो नीचे वाले सबसे पहले गर्म होंगे, और ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल होंगे, वो थोड़े से ठंडे होंगे, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, ये गर्म हो, अब ये गर्म मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे और ठंडे नीचे आएंगे, गर्म ऊपर जाएंगे ठंडे नीचे आएंगे, फिर ये जो नीचे ठंडे आ गए फिर ये गर्म होंगे, समझ आ रहा है। ऐसे ही पानी गर्म होता है, ऐसे ही पानी गर्म होता है। अगर इसका ये जो डंडा है, हैंडल है, ये मेटल का है, लोहे का है, और आप इसे पकड़ोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि इस बर्तन की गर्मी धीरे धीरे इस मेटल के डंडे तक भी पहुंचेगी, और इसकी आग से कुछ ना कुछ, ये जो आग लगा रखी है आपने, यहां से भी तो थोड़ी बहुत गर्मी निकलेगी। तो आपने क्या देखा, हीट तीन तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। एक तो ऐसे डायरेक्टली फैल की जा रही है, इसको कहते हैं रेडिएशन, और एक जा रही है किसी पीस में कनेक्टेड हो गई, उसे कहते हैं कंडक्शन, और ये जा रही है इस तरीके से, इसे कहते हैं कन्वेक्शन। अगर आपको ये डायग्राम याद रहा तो ये क्वेश्चन तो हो जाएगा। कह रहा है कि जो कम गर्म है या कम डेंस है वो ऊपर जा रहे नीचे जा रहे, तो आंसर आ गया कन्वेक्शन। अब मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं इस टॉपिक को, हालांकि ये क्लास 11th फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन फिर भी समझा दूंगा, कोशिश मेरी पूरी रहेगी। आपको ये बॉल यहां से यहां पहुंचानी है, मतलब इस वाले प्लेयर को ये वाली बॉल यहां से इस वाले प्लेयर पे पहुंचानी है। दो तरीके हो सकते हैं, पहला ये बॉल इसको पास करेगा, ये बॉल इसको पास करेगा, इसको 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 इसको, इसे कहते हैं कंडक्शन। ऐसा ही तो हो रहा है, ये मेटल यहां पे गर्म हुआ, ये हीट इससे 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 हीट धीरे धीरे आगे तक पहुंचेगी, इसे कहते हैं कंडक्शन। ऐसे भी तो हो सकता था ये डायरेक्टली बॉल थ्रो कर देता यहां से यहां, ऐसा भी हो सकता था डायरेक्टली बॉल थ्रो कर देता यहां से यहां, इसे कहते हैं रेडिएशन। जैसे कि यहां पे ये डायरेक्टली हीट जा रही है यहां से यहां, ये बॉल ही हमारी हीट है, समझ लो। तीसरा ऐसा भी तो हो सकता था, ये आदमी बॉल को पकड़ता और अपने हाथ में लेके जाता बॉल और इसको दे देता, एंड दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में ऐसे ही तो हो रहा है, ये जो पार्टिकल हीट वाला है ये ऊपर चला जा रहा है, समझ आ रहा है, अपनी जगह बदल दे रहा है। ये तीन डायग्राम, ये तीन अप्रोच याद रहेगी, क्लास 11th फिजिक्स का टॉपिक है ये, जिसने साइंस स्ट्रीम से पढ़ा होगा उसे पता होगा मैं क्या कह रहा हूं, बाकियों के लिए बहुत मुश्किल है। तो बाकी इस डायग्राम को याद रखना, जिंदगी भर कोई भी क्वेश्चन जनरल साइंस का होगा तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर लोगे। ये अगला क्वेश्चन देखो, सीआईडी तो सबने देखा था ना, सीआईडी में एक होती थी फॉरेंसिक साइंस, पढ़ के देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ साइंस सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग टू मैटर ऑफ लॉ, सब कुछ इस्तेमाल करना है किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस फैक्ट ऑफ सिविलियन इन्वेस्टिगेशन, समझे। तो इसे क्या कहते हैं, फोरेंसिक साइंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, बार बार कह रहा हूं, अच्छे से करें। थैंक यू।